सभी मुंगेली जिलावासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजी राम झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। लॉकडाउन से सुनेपन के कारण जंगली जानवर भोजन एवं पानी की तलाश में गांव तक आने लगे हैं। रायगढ़ जिले के बड़े मुड़पार में घुसे जंगली सुअर लोगों को किया घायल, देखिए रिपोर्ट। गर्मी पड़ने के साथ ही जंगल में जानवरों को पानी की तलाश में आसपास के गांव के तालाबों में भोर में अक्सर भटकते देखा जा रहा है। मगर इस साल गर्मी अभी पूरा परवान भले न चढ़ा हो, मगर लॉकडाउन के कारण गांव से लेकर शहर तक पूरा वीरान है, जिसके कारण से जंगली जानवरों को भरपूर आसपास के गांव तक विचरण करने का मौका मिल रहा है, जिससे कभी-कभी कोई जानवर रास्ता भटक जाता है, तब वापस जा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तब वो बस्तियों में घरों तक पहुंच जाते हैं और लोगों से मुठभेड़ हो जाने पर जान बचाने के डर से नुकसान पहुंचाता है। कभी-कभी हिंसक जानवर हमला भी कर देते हैं। ऐसा ही एक रास्ता भटका हुआ सुअर सारंगढ़ क्षेत्र के कोसीर थाना अंतर्गत बड़े मुड़पाड़ में, जो जंगल से तकरीबन 22 किलोमीटर दूर है, फिर भी पहुंच गया और दो ग्रामीणों को घायल कर दिया। घायलों की स्थिति अभी ठीक है, किसी को कोई खतरा नहीं है। घटना की खबर 112 को कॉल कर कोसिर थाना को दी गई तो पुलिस एवं सारंगढ़ वन विभाग की टीम बड़े मुड़पार पहुंचकर रेस्क्यू कर मशक्कत के बाद सुअर को पकड़ने में सफलता पाई। फिर उसको स्वास्थ्य परीक्षण कर गोमर्दा अभयारण्य में छोड़े जाने की खबर है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लॉकडाउन के चलते लोगों ने खुद कुछ नहीं किया, नहीं तो सुअर की जान बचा पाना मुश्किल भी हो सकता था। ताज्जुब की बात यह है कि लॉकडाउन के चलते कोई कानूनी कार्रवाई न हो जाए, इस डर से ग्रामीण एवं सरपंच कैमरा के सामने कुछ कहने से कतराते रहे। आपको बता दें कि सारंगढ़ क्षेत्र में एक प्रसिद्ध अभयारण्य गुबरडा है, जहां जानवरों का भरमार है और पर्यटक स्थल भी है। यही कारण है कि आए दिन जंगली जानवर पानी की तलाश में आसपास के गांव में तालाबों में देखी जा सकती है, जिसकी निगरानी एवं सुरक्षा को लेकर वन अमला को सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं महुआ तेंदुपत्ता तोड़ने जाने वालों को अपनी सुरक्षा को लेकर सजग रहने की आवश्यकता है। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रामझाझर।